kami. I make faces, no? Immediate reactions. Dada, ek. Kaha ruko bas bas ruke. Bas bas dada ek. Fir aaye to ye mat na bolo. Chang na. Ek minute. Dada. Dada hat. Smile. Rice. Udo jaane. Max, excuse me. Hema. Yes. Hema ji center pe. Hema ji pe. Yeah.
हाँ चप्पल कूद जाए वहाँ से उठा देना उसको उठा ठीक है यहाँ तक आप आके डटे हुए हो आप पहले आप आउट हुए फिर वाइल्ड कार्ड में वापस आए और आप फिर भी आप लड़ रहे हो हर वीक में तो आई थिंक वो जोश और जुनून की मैं आपकी काबिलियत आई नाउ कमिंग बैक टू द परफॉर्मेंसेस ये एक एक तरह का एक ट्रुप होता है एक ग्रुप होता है बच्चों का होता है बड़ों का होता है जो ज़्यादातर हमारी मुंबई में तो ज़्यादातर ये सारे आपको बांद्रा और ये सारे इलाकों से इस साइड मिलेंगे बांद्रा से लेकर बोरीवली और नाला सुबह तक मिलेंगे सो एक तरह की पूजा भी होती है एक तरह की चैरिटी भी होती है जो ये लोग करते हैं हमेशा एंड दे ऑलवेज आस्क फॉर दे गिव ब्लेसिंग हमको दुआएं देते हैं और हम उनको उनकी हेल्प करते हैं और इसी तरह हमको भी बहुत सारी चीज़ें उनसे मिलती है बट एक चीज़ है दे ऑलवेज परफॉर्म लाइक दिस विद अ वाइल्ड क्या कह सकते हैं एक रूप उनके अंदर रहता है और वो रूप्स हमेशा लेकर चलते हैं यदि कि वो काम हो गया तो रिलैक्स हो जाएगा वो एक ग्रुप में हमेशा रहते हैं इस तरह से और आई थिंक ये इस तरह का एक्ट करना बहुत ही रिस्की होता है एक मार्जिन एक थिन लाइन होती है आप उसके उस साइड भी नहीं जाओ बिकॉज सो मच इमोशंस आर कनेक्टेड विद दिस सो आई थिंक दीपक आपने बहुत अच्छा उसको जिस तरह से ये होता है अपने आप को वो एक तरह का बस में चोट नहीं लगती है क्योंकि मैंने किया है ये एक जगह पर मैंने उसको मतलब सीखा भी है तो उसमें चोट नहीं लगती है खाली आवाज़ आती है तो इट्स जस्ट अ साउंड तो हमको सकता है कि अरे बहुत जोर से अपने आपको मार रहा है वो पर वो नहीं मुझे पता है छोटे लगते हैं मैंने किया है और आवाज़ है वो तुम्हारे में नकली चाबुक हो नहीं नहीं सर मैंने अच्छा सवाली ओके मेरी मिस चलो ये बात तो क्यों छेड़ के हाँ ओके ठीक है तो मतलब मैं रियल महाराष्ट्र में किया वो ट्यूबलाइट वाला जो सेक्शन था ना थोड़ा सा रिस्की है बहुत डरावना है मतलब चोट भी लग सकती है पर आपका नाम ही रिस्क है आप ऑडिशन से आप रिस्क लेते आए हो कहाँ कहाँ से आपने जंप किया है तो आई थिंक वो भी एक कमाल की चीज़ है तो बहुत अच्छा एक पैशनेट परफॉर्मेंस मुझे दिखा यहाँ पे आपके जुनून दिखा मुझे ये लगता है थोड़ा डांस आपको सीखना चाहिए डांसिंग आप अभी आए हैं यहाँ पर आप डांसिंग थोड़ा और सीखिए परफॉर्मेंस इम्प्रूव कीजिए अदरवाइज गुड वन All the best. Thank you so much. मैं बताऊंगा एक्चुअली इंटरेस्टिंग चीज़ है मुझे बचपन में ना इन लोगों से बहुत डर लगता था एक्चुअली क्योंकि मैंने बचपन में ज़्यादा मैंने देखा है तो एक बार देखते रहे मैंने किसी को अपने आप को मारते हुए देखा था मैं लाइक ये अपने आप को क्यों मार रहे आई नेवर अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट सो आई वाज ऑलरेडी स्केयर्ड ऑफ देम फिर बढ़ते गया तो डर कम भी हो गया इतना कह सकता हूँ कि यस इसमें लगता है कि मैंने डी आई डी डबल्स में भी एक किया था राहुल और रोजा के साथ और उसके बाद पता नहीं मासूम रोजा से क्यों कह रहे कि लगता नहीं है क्योंकि मेरे को पता है लगता है क्योंकि मैंने भी ट्राई किया था क्या नो देर आर मार्क्स आई नो देर आर मार्क्स वो पता है शायद वो मार्क्स रह जाते आई डोंट नो हाउ इट इज मे बी इट्स एन आर्ट टू डू इट देयर इज एन आर्ट ऑफ हाउ यू डू इट्स अ रॉन्ग रस्सी इट्स अ रॉन्ग रस्सी ओके फाइन व्हाटएवर सो बेसिकली मैं कहता हूँ कि यस बहुत जोर से चटका लगता है और जब चटका लगता है तो यू नो समटाइम्स यू लूज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट योर नेक्स्ट स्टेप इज गोइंग टू बी ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप मार खाने के बाद भी किसी को कभी लग जाता है तो यू नो यू फंबल फॉर अ सेकंड एंड यू लूज अ स्टेप आप उसके बाद डांस कर रहे हो वापस काबिले तारीफ गुड जॉब थैंक यू क्यों ब्रेकिंग करना ग्रेट घर पर बैठे दर्शकों को कहते हो प्लीज कोशिश मत कीजिएगा इसको आता है ये बराबर से करता है इसके लिए ये सेफ है कोशिश मत कीजिए घर पे ओवरऑल एक्ट इंटरेस्टिंग एनर्जी वॉज देयर इन योर एक्ट यस थोड़ा अभी वापस मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था दीपक अपने डांसिंग पे ध्यान देना शुरू कर दो इट इज टाइम आप डांसिंग पे भी ध्यान देना शुरू करो क्योंकि
आप जितने भी पाव मूव्स करते हो बहुत अच्छे है, आपको मैम बहुत अच्छे से प्रेजेंट करती है, बट इवेंचुअली डांसिंग ऑल्सो काउंट्स, वो उनकी आपके लिए नहीं कर सकती है, शी कैन जस्ट गाइड यू विद दैट, तो उसमें थोड़ा ध्यान देना भी, ओके, अदरवाइज वेरी नाइस एक्टिंग फॉर। थैंक यू सर। आपकी प्रेजेंटेशन आपको कैसे जी, पहले तो मैं बता दूं कि हम जो आज दिखा रहे थे इस टाइप को पोतराज कहते हैं, महाराष्ट्र और कर्नाटका बॉर्डर पे इसे बहुत करते हैं लोग, और जो चाकू को अपने ऊपर मारते हैं वो इसलिए मारते हैं क्योंकि ये उनका एक स्टाइल है देवी का, यू नो, देवी की पूजा करना, खुद को दर्द देकर वो लोग वो पूजा करते हैं, तो ये उनकी मान्यता है, वो लोग ऐसे करते हैं। दीपक, आज आपने जिस तरह से पूरी एक्ट को निभाया है, आपने वो पूरा जो कहते हैं ना, जो एक पागलपन होता है उन लोगों में, वो आपने यहाँ पे दर्शाया है, आपने इस एक्ट को बहुत खूबी से निभाया है, वेरी गुड दीपक, दीपक। थैंक यू मैम। हेमा जी, हेमा जी, आपको ऐसा लगा दीपक का ये उसकी परफॉर्मेंस? दीपक, आपने बहुत ही सुंदर नृत्य किया। थैंक यू। मैं तो पहले कहूंगी कि आप लोगों के लिए तो एक बहुत ही वरदान है इस किस्म का स्टेज मिल जाता है अपना हुनर दिखाने के लिए। आप लोगों को रियली यू आर वेरी लकी। आई मस्ट से अभी जो परफॉर्म किया, ये हमारे देश में बहुत सारे रिवाज हैं, अलग अलग उसके हिसाब से अलग अलग किस्म का डांस होता है, तो आपने जो ये एक्ट किया बहुत ही अच्छा लगा मुझे। मैं पहले सोच रही थी क्योंकि स्टेज पे जब हम लोग आते हैं तो थोड़ा वार्म अप होके फिर हम वो क्लाइमेक्स में करते हैं ना, तो आप स्ट्रेट वे यू कम टू द क्लाइमेक्स इज रियली रिमार्केबल। फुल एनर्जी के साथ जो आपने परफॉर्म किया इज रियली वंडरफुल। जो कितना बार आपने समर सॉल्व ये रियली बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा लगा। गॉड ब्लेस। थैंक यू। जी दीपक, परफॉर्मेंस तो बहुत ही अच्छा है, और जहाँ यहाँ दिग्गज बैठे हैं डांस के, देयर स्ट्रीम गर्ल एंड देयर डिस्को डांसर, आई शुड नॉट टॉक अबाउट डांस, बट ऑल आई कैन से कि मुझे लग रहा है कि कहीं तो आप हेमा जी को ट्रिब्यूट तो नहीं दे रहे हो, क्योंकि कांच भी है और बसंती भी है, मैंने देखा बड़ा कि ये क्या नाच रही है? शोले में मुझे ये सब डांस भी करना पड़ा, लेकिन आप लकी एक ही जगह में मारा, उसके बाद आपने उनको उठा कर लेकर चले गए, बड़ा अच्छा डांस नहीं करने जी। मैम, आपके टाइम मैम आपकी परफॉर्मेंस में तो कोई चोट नहीं आई थी पांव पर, क्योंकि वो बहुत ही रिस्की था, और वहां पे जब क्लोज शॉट भी लग रहे थे तो वो लग रहा था कि कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है। नहीं, हो सकता था, मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उस वक्त ये था कि गर्मी का, इट वाज टू हॉट, मतलब मेन और पूरा रॉक्स के ऊपर करना पड़ता था, तो पांव में बहुत छाले पड़ जाते थे, उसके ऊपर से इस किस्म का दिस इज बट ये रियल है वहाँ पे, बट आर्टिफिशियल बॉडी इतना आर्टिफिशियल नहीं लग रहा था, काफी चोट लगती थी, ऐसा भी नहीं है कि खून आ जाए, but it was really hurting and that is what the director wanted, so I had to do that. ये बात भी एक है जो इनके बुक में मेंशन है, रमेश सुखी जी ने कहा, हेमा जी कहाँ तक सच है आप बोल सकते हैं कि इतनी गर्मी हुआ करती थी शूट पे कि यू कांट स्टैंड, शी कुडंट स्टैंड, तो एक भिस्सी हुआ करता था, जैसे जैसे कट बोलते थे मास्टर जी, तो इमीजिएटली पानी से थोड़ा सा जमीन को भिगो के जितना उनको उसको सॉफ्ट कर सकते हैं वो किया जाता था, क्योंकि उस जमाने में उतना फैसिलिटीज नहीं होते थे या नहीं हुआ करता था जो वैसे मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया था कि आप मई महीने में क्यों लग रहे हैं, आप अक्टूबर नवंबर में लग रहे हैं, मौसम बहुत अच्छा होगा तो बड़ा अच्छा, हम आराम से काम कर सकते हैं इस पिक्चर का, आई मीन इस गाने का पिक्चर ऐसा हो सकता है, बट ही सेड नो, आई वांटेड द रियल एक्सप्रेशन ऑफ द पेन, सो आई थिंक रमेश सुखी वाज द रियल गब्बर सिंह इन द फिल्म। तो जब तक आपके पैर चले बाकी की सांसें चले, तो ये इतने स्ट्रिक्ट डायरेक्टर थे रमेश सुखी जी? Yeah, he was very strict. I mean,
बहुत सारे स्टोरीज हैं बिकॉज यू कैन सी शोले कैसा रियलिस्टिक पिक्चर कहीं पे भी आर्टिफिशियल नहीं नजर आता वेल इसीलिए शोले सब ने बार पे बार पे बार पे बार पे बार 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 देखी है रियल एक्सप्रेशन उसमें उभार किया है तालियां बजाएं आपको ये परफॉर्मेंस कैसे लगा दीपक क्या बुरा नाम क्या है दीपक बोल सुने चलो सुनिए खोलो प्रॉपर्टी लेवल डांस इंडिया डांस के मंच पर पहली बार आई हूं लेकिन ये कार्यक्रम मैंने बहुत देखा है टेलीविज़न में देखती हूं कई बार जब जब समय मिलता है मैं देखती हूं यहां पर जो परफॉर्म करने आए हैं बहुत ही वो बच्चे लोग काफ़ी टैलेंटेड हैं एंड दे आर रियली डूइंग वेरी वेल मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है और ऐसे बहुत सारे चैनल में भी इन लोगों को काफ़ी मौका मिलता है जो पहले नहीं मिलता था हम लोगों का सिर्फ एक ही जरिया था कि फिल्मों में एक्टिंग ही करना है लेकिन ये डांस के थ्रू यू नो इट्स रियली वेरी अपॉर्चुनिटी बड़ी बहुत अपॉर्चुनिटीज मिल रही है आप क्या कहना चाहिए जी डांस इंडिया डांस को मैं शुक्रिया गुजार हूँ कि हेमा जी को और हमें गेस्ट के हिसाब से बुलाया क्योंकि हेमा जी के ऊपर जो बुक रिलीज़ हुई है आप लोग सब जानते हैं बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल उसके प्रमोशन के लिए हम यहाँ आए हैं और हेमा जी का 50 साल पूरा हो रहा है इस फिल्म इंडस्ट्री में तो ये सारी चीज़ों को क्लब करके मिथुन दा हेमा जी को बहुत श्रद्धा करते हैं मिथुन दा के साथ मेरा भी बहुत एक दादा और भाई का रिलेशनशिप है तो आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी टू कम हियर बिकॉज जैसे हेमा जी ने कहा कि ये बहुत सालों से चल रहा है डांस इंडिया डांस और इनमें सारे जो टैलेंट हैं सारे जो नए परफॉर्मर्स हैं देर ऑल वेरी टैलेंटेड तो वे वेरी हैप्पी टू बी हियर मैम एक्ट की बात करना चाहेंगे दीपक की किस तरह का एक्ट लगा आपको काफ़ी रिस्की एक्ट दिख रहा था या बहुत रिस्की था ये फाइनली जो ट्यूबलाइट से जो मारते हैं बट अच्छा वो उसके बाद डांस नहीं किया बट ही इज़ सो स्मार्ट एंड सो फास्ट सो मच एनर्जी उसमें कि एंड ऑफ कोर्स थैंक गॉड दिस होल एक्ट इज़ ओनली फॉर 2 मिनट या 3 मिनट के अंदर हो जाता है इट इज़ नॉट फॉर सम अवर्ड्स एंड ऑल सो इट्स वेरी आई कैचिंग और ए वेरी इंटरेस्टिंग परफॉर्म करते हैं लेकिन थोड़ा रिस्क कम हो तो और भी अच्छा रहेगा लेकिन दैट इज़ व्हाट एक्साइट्स द पीपल ना लोगों को अच्छा लगता है भी है जैसे कि आपने अभी कहा था कि रमेश पे काफ़ी स्ट्रिक्ट डायरेक्टर माने जाते थे अभी कोई एक इंसिडेंट जो शेयर कर सकते हैं हमसे लाइक मैंने अभी वही कहा था ना कि ये जो शूटिंग पहले से जब साइन किया था तभी बताया था कि ग्लास के ऊपर डांस करना है एंड देन ऑन द रॉक्स पूरा रामगढ़ जो था जहाँ टांगा चलाना भी आपको नहीं आता हाँ टांगा भी एवरीथिंग वाज वेरी रिस्की एंड इट इज़ टू हॉट अप्रैल महीने से ही शूटिंग शुरू किया जब हमारे देश में गर्मी हो जाती है हर जगह लेकिन ही वांटेड एट दैट टाइम बिकॉज दैट इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द सीक्वेंस तो ही वाज स्ट्रिक्ट बुक के बारे में जानना चाहेंगे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है उसे बुक पे ऑनलाइन क्या कहना चाहेंगे पहले बुक के बारे में बोलूँ बुक तो मैं राम कमल जी को बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी कि इन्होंने वापस मुझे दूसरा बुक लिख के मुझे आगे फोर फ्रंट पे खड़ा कर दिया है जो मैं तो बहुत ही खुश अपना मथुरा में कॉन्स्टिट्यूएंसी में बिजी घूम रही थी लेकिन इन्होंने बोला नहीं नहीं बुक रिलीज़ होगी देन ही उन्होंने रिमाइंड कराया कि 50 साल हो गया फिल्म इंडस्ट्री में सो उसका भी सेलिब्रेशन करना है तो मैंने एक बात कही थी इनसे कि चलो अभी 50 साल हो गया अगला साल एक और साल हो जाएगा 51 हो जाएगा ऐसे साल
बीते बीते no, the 50 years will become 55, then 60. So as long as you are there on this earth, तो ये भी बढ़ता जाएगा. क्या चेंजेस हुए इंडस्ट्री में? चेंजेस की बात करें तो आपके हिसाब से कितना अच्छा प्लेटफॉर्म है डीआईडी जैसा प्लेटफॉर्म देखा जाए तो फिर यंगस्टर्स के लिए, न्यू कमर्स के लिए? यंगस्टर्स के लिए बहुत बढ़िया जगह है एंड वेरी ब्यूटीफुल प्लेस. ऐसा पूरा देश इन लोगों को देखने को चाहते हैं, देखने का एक अवसर मिलता है. और ये लोग भी पूरी मेहनत से ये लोग अपना अपना टैलेंट को दिखाने में लगे रहते हैं. तो दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर देम जो पहले हम लोगों को नहीं था. Thank you so much. Thank you so much.